Hello student, good morning to all of you. मदर टू आर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है. चैप्टर क्लास 8 का है हार्डवेयर में. कल तक आपको हमने बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान और मिलान, इसके क्वेश्चन आंसर कराए थे. आज लघुत्तरी प्रश्न कराने जा रहे हैं. इसका पहला प्रश्न है, धातुओं के उपयोग लिखिए. धातुओं के क्या उपयोग होते हैं इनके बारे में लिखना. जैसे नंबर एक, धातुओं का उपयोग. पहला पॉइंट है लोहे का उपयोग. लोहे का उपयोग भवन निर्माण, समुद्री जहाज, रेलवे लाइन और पुलों के निर्माण में किया जाता है. लोहे का उपयोग भवन के निर्माण में, पुलों के निर्माण में, समुद्री जहाज बनाने में और रेलवे लाइन बनाने में किया जाता है. दूसरा है कॉपर, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है. सुचालक होने के कारण कॉपर का उपयोग विद्युतीय उपकरण तथा बर्तन बनाने में किया जाता है. तीसरा पॉइंट है एल्युमिनियम. एल्युमिनियम का जो वर्क होता है उसका उपयोग वजन को पैक करने में किया जाता है. एल्युमिनियम के वर्क का प्रयोग वजन को पैक करने में किया जाता है. और चौथा है एल्युमिनियम का जो चोर होता है, पाउडर जो होता है, उसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है. तो इस प्रकार धातुओं के उपयोग के चार बिंदु बने. लोहे का उपयोग भवन निर्माण, पुल निर्माण, समुद्री जहाज और रेलवे लाइन बनाने में करते हैं. कॉपर का उपयोग विद्युतीय उपकरण जैसे कि पंखा है, मोटर वगैरह में भरे जाते हैं, वो विद्युत के तार होते हैं, उनका प्रयोग विद्युतीय उपकरण और बर्तन बनाने में करते हैं. एल्युमिनियम के वर्क का प्रयोग भोजन को पैक करने में करते हैं और एल्युमिनियम का जो पाउडर छोर होता है उसका प्रयोग पेंट बनाने में किया जाता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का क्या उपयोग. धातुओं का उपयोग का लिखना है. धातुओं के उपयोग में पहला पॉइंट है सल्फर. सल्फर का उपयोग हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में करते हैं. दूसरा है ग्रेफाइट का स्नेहा के रूप में उपयोग किया जाता है. ग्रेफाइट से पेंसिलें भी बनाई जाती हैं. फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई यानी माचिस की जो तीलियाँ होती हैं वो पटाखे बनाने में और उर्वरक बनाने में किया जाता है. तो फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है, पटाखे बनाने में किया जाता है और उर्वरक जो रासायनिक खाद होती है, उर्वरक का मतलब रासायनिक खाद जो खेतों में डाली जाती है उसका प्रयोग रासायनिक खाद का बनाने का प्रयोग फास्फोरस के द्वारा किया जाता है. ये आपके दो पॉइंट क्वेश्चन हुए, धातुओं के उपयोग क्या है और अधातुओं के उपयोग क्या. अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आयस्क से आप क्या.
खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण सरलता पूर्वक और कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण स्थायी कठोर और संरक्षण से सुरक्षित होती है। वह मिश्र धातु है। स्टील
स्टील के बर्तन आपके घरों में है, देखते होंगे ग्लास प्लेट कटोरी पे, उसमें जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि लोहा और कार्बन की एक वो मिश्र धातु होती जिसमें जंग नहीं लगता। प्रश्न नंबर 5 है, सोने की शुद्धता। कैरेट निकाय मापा जाता है 24 कैरेट
सोने में 92% शुद्ध सोना और 8% किया 8% अशुद्धियाँ पाई जाती है। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना और 25% अशुद्धियाँ मिश्रित होती है। ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैंने आपको चेक किए और इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे कल के कार्य के आगे इसका वीडियो के साथ आपको पिक भेजी जा रही है उसको आप नोट करें। थैंक यू।